नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्लास 11th में एंट्री के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट लाया हूँ जो जिसका नाम है केमिस्ट्री। आपको पता होगा या तो आप पीसीएम लेंगे, या तो पीसीबी लेंगे, या तो पीसीएम भी लेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी ब्रांच चूज करते हैं 11th क्लास में, ठीक है, तो उसका मैं एक पार्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स का मैं पार्ट आपको बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स का पार्ट आपको बता चुका हूँ, और आज मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री आपने 9th में पढ़ी होगी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है 9th क्लास में, बहुत बेसिक्स होते हैं, और लगभग जैसी 9th क्लास में केमिस्ट्री होती है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है 11th क्लास में। तो उसका पहले तो आपको मैं कुछ कंटेंट्स बताता हूँ, बेसिक कंसेप्ट, एटम, क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये क्लासिफिकेशन के अंडर में आते हैं। ये आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी 9th और 10th में मिलाकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन, रेडॉक्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपका टोटल कंटेंट्स होंगे 11th क्लास में, ठीक है। 9th क्लास से काफी कुछ मिलता जुलता होगा 11th क्लास में, लेकिन 10th के भी कुछ कंटेंट्स होंगे। जैसे आपने 10th में क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो वही क्लासिफिकेशन है और उसके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट 11th क्लास के अंदर है। तो बहुत मजे मजे में, क्योंकि छुट्टियां चल रही है, और मजे मजे में थोड़ा सा हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं 11th क्लास का। आप भी मेरी वीडियो को भूलें नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, नए नए और दोस्त बनाइए, क्योंकि आपके जो फ्रेंड बनेंगे वो मेरे वीडियो में फ्रेंड अपने आप बन जाएंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री में मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपने क्लास 9th में दो लॉ पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसी का थोड़ा सा मैं एक्सटेंडेड फॉर्म बता रहा हूं कि जितने भी एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनके लिए केवल 5 लॉ बने हुए, और उन 5 लॉ के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, ना तो मैं आपको बोर करना चाहता हूं, लेकिन केवल स्टार्ट करना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा बूस्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े पढ़े बैठे बैठे, क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे आप टीवी भी नहीं देख सकते, पूरे दिन बैठे बैठे आप कोई दूसरा काम भी खेल भी नहीं सकते पूरे दिन, तो कभी कभी आधा घंटा एक घंटा के लिए आप ये चीज देखें और थोड़ा सा आप अपने आप को फ्रेश करते रहे। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसका कॉमन नेम दिया हुआ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जितने भी एलिमेंट कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाते हैं उन 5 लॉ पर बेस करते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा 9th क्लास में, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि सम ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड is always equal to sum of masses of element in product side। Same चीज है, और एंटोनी लेबोसियर ने इसे दिया था, और ये first law है जो always universal truth है और chemistry के basics में count होता है। दूसरा law है law of definite proportion, ये भी आपने 9th class में पढ़ा हुआ होगा, याद होगा आपको, आपको लिखाया गया होगा, बताया गया होगा कि वाटर है, वाटर के जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मास के बेस पर उनका रेशियो 1:8 होता है। उसी लॉ को मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, इसका मीनिंग ये होता है कि वाटर अगर है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा बाय मास, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड ऑलवेज contains exactly same proportion of element by weight। Agree करते होंगे, water चाहे किसी भी form में हो, वहां पर hydrogen और oxygen का ratio 1:8 ही होगा by mass। तो this is the second law। Third law is law of multiple proportion। ये शायद आपने 9th class में नहीं पढ़ा होगा, तो ये मैं अब आपको introduce कर रहा हूं। बहुत simple ही law है, और वो law है
इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स। देखिए दो एलिमेंट है, वो दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। सपोज करिए सी और एच है, वो सी एच और एच मिलकर सी एच फोर भी बना रहे हैं, सी और एच मिलकर सी टू एच टू भी बना रहे हैं। तो अगर वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा है, बहुत आराम से इजीली ग्रेस्प करिए, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने केमिस्ट्री के बेसिक्स अच्छे से नहीं क्लियर किए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। या आप ये समझिए, प्रॉब्लम छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि हमें बेसिक्स को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो वो जो एलिमेंट है उनके जो मासेस होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज सेम होता है, और सेम के साथ साथ में आपको यहां पर लिखा हुआ है मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि वो होल नंबर में होता है, सी एच फोर होता है, सी एच थ्री वाई फोर नहीं होता कभी भी, और स्मॉल होल नंबर में होता है। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फोर्थ लॉ है हमारा गे लुजाइक लॉ। ठीक है, गे लुजाइक लॉ में हमने इसमें है कि वेन टू गैसेस कंबाइन, दो गैसें और वो दोनों गैसेस कंबाइन होती हैं या वो प्रोड्यूस कर होती हैं, या तो कंबाइन होती हैं या तो प्रोड्यूस होती हैं, तो उनका जो केमिकल रिएक्शन है दे डू इन सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम, मतलब वो भी वॉल्यूम के बेस पर उनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होगा, मीन्स 1:2 या 2:3 इस तरीके से होगा। एंड द लास्ट लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ इनडायरेक्टली आपने पढ़ लिया है, मूल कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको। वहां पर एवोगैड्रो लॉ को मैं क्लियर कर देता हूं। एवोगैड्रो ने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कोई भी दो गैसेस है या चार गैसेस है या कितनी भी गैसेस है, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है, बस दो कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट सेम होना चाहिए और प्रेशर सेम होना चाहिए, तो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको आपने याद भी होगा, एवोगैड्रो नंबर के ना नेम से जाना जाता है, ठीक है ना, 6.022 आपको याद हो तो यही हमारा क्या है, एवोगैड्रो लॉ। तो ये फाइव लॉज हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में काम आते हैं। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होंगे तो केमिस्ट्री पढ़ने में आपको अच्छा नहीं मजा आएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा मजा आएगा तो केमिस्ट्री आप आसानी से कर सकते हैं। और यहां से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक क्वेश्चन आईआईटी रैंक तक भी इन बेसिक कंसेप्ट से आता है। आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए, चाहे छुट्टी आए, चाहे आप 11th क्लास में जा रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम में जा रहे हैं, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज सीबीएसई की भी देता रहूंगा और साथ के साथ आपको बूस्ट और स्टार्टअप देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।